देखो कितना ठंड है। अच्छा। कहाँ रास्ता भी भीगा। तब से पहली बार मतलब कि किचन अलग होगा। एक निकाल दिया है और लेके चलते हैं, बाइक पे ले जाएंगे क्योंकि दो ही आदमी है ना, तो हम भी सोचे पड़ गए कि यार इससे पहले हमने सोचा ही नहीं। हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे एंड हम लोग भी अच्छे हैं। स्वागत है आप सभी का एक और न्यू ब्लॉग में। कपड़ा धोने जा रहे थे दोस्तों, काजल जा रही है कपड़ा धोने, और अभी भी मौसम मतलब वही है, घाम, अभी धूप नहीं निकला है और चारों तरफ ऐसे ही अंधेरा सा हल्का हल्का हुआ है। बहुत ज्यादा बाहर में ठंड है, मांझे को वही पहना रही हूँ एक दो और। तो चलिए, बाइक हमारा उस वाले घर पे है क्योंकि बोझा लाने चले गए थे ना, सब लोग पैदल ही चले गए थे उधर ही। अरे टोपी गिर गया, चलिए लेके आते हैं। और ये इसको भी कहीं अस्थिर इधर खड़ा कर देंगे, कल से काम लगेगा। और बोले हैं एक आदमी को टाटी बांधने के लिए, देखिए वो नहीं आएंगे तो खुद से ही बांधना पड़ेगा, अच्छे से बांधने का हो। तो अभी आ गए हम राढ़ी ले जाने भाभी घर, और जल्दी चलिए सारा बोझा लेके चलते हैं। ले चलेंगे जितना जोर, तो दो चार बोझा चाहिए ज़्यादा नहीं, क्योंकि 6-9 बोझा तो वो लाए हैं पतवार, और राढ़ी उसमें मिक्स करके फिर बनेगा हमारा किचन। और ऐसे ही हम लोग भी सेपरेट बना देंगे ताकि अंदर ही खाना बनेगा अलग से। और आप लोग कमेंट कर बताइएगा सही सोचे हैं कि ना। चलिए निकाल दिया है और लेके चलते हैं, बाइक पे ही ले जाएंगे क्योंकि दो ही आदमी है ना, उस टाइम ज़्यादा आदमी थे तो ला लिए थे उधर से। पे हालत खराब है, एक ले जाए तो शाम हो जाए। दोस्तों अभी लेके आ गए, उतार दीपक, अब पता है कहाँ रखना है, अभी नीचे ही रखो, हम उठा कर रखते हैं। हाँ वही पर, ओ एक बार में 4 बोझा लाए, 4 क्या बेटा? आ रहा हूँ। ए तीनों को लेने सका आए कहा बा? अच्छा ए आराम से उठा के, न तो हम और इसके लिए चाहिए। हाँ गमछा रख दिया था इसमें सीट पे, क्योंकि ना ये जो वाइट वाला है ना, इधर इधर स्क्रैच आ जाता है। चलिए एक और है, इसको ले चलते हैं। जुग जुग जिया तू ला ला ना, हटो हटो। तो यहाँ रख दिए, और 3-4 है उसको भी लेके आएंगे अभी। चलिए दोस्तों, अभी 7 बज गए हैं और अभी ना हवा बहुत चल रहा है, ज़्यादा शाम का 7 हो रहा है और इतना ठंड है कि दिमाग काम नहीं कर रहा, क्या करें। मार्केट जाना था सब्जियाँ लाने, चलिए जाते हैं। ठंडा तो बहुत ज़्यादा लग रहा है, हवा चल रहा है पूरा कम दबा के, चलिए लेके आते हैं। दोस्तों अभी काजल बना रही है मेरे लिए खाना, क्योंकि काजल ने खुद पहले खा लिया है बना के। अब सुबह का सब्जी दाल चावल खाए हैं। मिला 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 अच्छे से? नहीं रुकिए ना, छलनी में पूरा लग जाएगा उसका मटेरियल। अच्छा, तो वैसे रोटी बना ली थी, मजाक से हटके रोटी बना ली थी काजल उसी टाइम, और मैं शाम के टाइम में सो गया था क्योंकि उधर बोझा वोझा लाए और फिर भाभी घर से 9 बोझा लाए, तो उसी में क्या हुआ कि थोड़ा सा थकान हो गया था, अजीब मतलब नींद आने लगा पता नहीं अचानक से क्यों। तो मैं और मानसी दोनों लोग एक दूसरे को पकड़ के सो गए थे, हम और मानसी। और अब मानसी अभी भी सो ही रही है, लेकिन मैं उठ गया क्योंकि मेरे ऊपर क्या है ना, कई तरह की जिम्मेदारियां हैं, जैसे बाइक बाइक बाहर था, फिर सब्जी भी नहीं था, तो वो सारी चीज़ें फिर करना पड़ता है। और अभी भी इतना ठंडा हवा चल रहा है, अभी मैं मार्केट गया था, इतना ज़्यादा ठंडा हवा चल रहा है कि क्या बताएं। और काजल को ना पता ना क्या प्रॉब्लम है कि हर ठंडे में हो जाता है, जब भी ठंडी आता है ना इनका ज्वाइंट जो है ना वो दर्द करने लगता है, हाथ का पैर का ज्वाइंट जो है। तो अभी मैंने दवा लाने भी गया था, मैं तो दवा लेके आया, तो उन्होंने बोला कि बोलोगे थोड़ा सा ठंड से बचने के लिए, बस और कोई रीजन नहीं है, ठंड की वजह से होता है। तो हम दवा लेके आए हैं और अभी काजल मेरे लिए थोड़ा सा सब्जी बना रही है, अभी खाओ के सोएंगे क्योंकि ठंडा बहुत ज़्यादा है दोस्तों। और कल हो सकता है हम लोग काम करेंगे, है ना, कल कहीं जाना दिन हुए तो हम जाते निकाल। बाप रे, दिन देख के तो हालत खराब हो जाएगा, ठंडा का मौसम बहुत ज्यादा है दोस्तों, कुड़क जाएंगे इधर ही दोस्तों, ठंडी कुड़का देगा पूरा। तो वही बता रहे थे,
और आज सारा व्यवस्था कर लिए। बांस तो हमारा है घर पे ही, तो बांस तो फाड़ना मतलब लाना नहीं पड़ेगा, घर पे ही है तो फाड़ उसी को यूज कर लेंगे। और क्या चाहिए, रस्सी चाहिए तो रस्सी सुबह ला देंगे, और बोल उस रस्सी से नहीं होगा, प्लास्टिक वाला होता है, और बोले हैं एक आदमी को बांधने के लिए, तो वो बोले कि हाँ बांध लेंगे। एक दिन में तीनों बांध ना दें। अरे जिनको पैसा अभी 100 रुपया है उन आईफन घर है, कहाँ है वो, शायद बाहर कल बना, अपना पैसा मांग लीजिएगा। पिछली बार बनवाए थे ना तो उनको 100 रुपये एक्स्ट्रा दिए थे, दिए नहीं थे मतलब खुला नहीं था, तो वो बोले कि ठीक है मैं ला के दे दूंगा, और नहीं था तो फिर उनसे बोला था बीच में मैंने बांधने के लिए, तो बोले कि हाँ ठीक है हम बांध देंगे और अपना 100 रुपये माइनस भी कर लेंगे। तो वो तो अभी है नहीं, तो दूसरे किसी से बोला हूँ मैं बांधने के लिए, देखिए कल बनवाएंगे। और नया नया एकदम हमारा वो लगेगा आंगन, और उसी में हम बना देंगे, हाँ और उसी में बना देंगे हम किचन ना, गैस सिलेंडर बर्तन चूल्हा जितने भी है सारी चीजें वहाँ चली जाएगी। तो ये वाला एरिया जो है ये वाला, ये सारा जब से खाली हो जाएगा। मतलब इनके साथ आए हैं तब से पहली बार मतलब कि किचन अलग होगा। एक बार हुआ था कुछ दिनों के लिए जो हम नोएडा गए थे फ्लैट में थे, किचन अलग नहीं, और तो एक दो बार उधर भी तो बनाई हूँ पहले ना, लेकिन सामान होता इधर रहता था ना, भैया की प्रॉपर किचन का सामान उधर चला जाए, खाली बेड रहेगा इधर, तो वो वाला सीन होगा। देखो कितना ठंड है का, ये देखिए पूरा अभी भी हिल रहा है वो पूरा वाइट वाइट सा, ये कहेगा जाए मांगा हीटर है ना, ये वाला हीटर जो चल रहा है ना इसी से राहत है, नहीं तो हालत खराब हो जाता ना। दोस्तों गुड मॉर्निंग, और दोस्तों ये है नेक्स्ट डे, एंड अभी सुबह का टाइम हो रहा है, और आज कोहरा थोड़ा सा कम है बट ठंडा उतना ही ज़्यादा है। और ये देख सकते हैं बाइक पे कितना ज़्यादा शीत गिरा है, और इधर काजल अभी मसाला पीस रही है खाना बनाने के लिए, और मेरे को अभी जाना पड़ेगा मार्केट में कुछ चीज़ें लाने हैं सामान, और ठंडा इतना लग रहा है कि मतलब जाने का मन नहीं कर रहा है, क्या करें जाना पड़ेगा मजबूरी है। हाँ जाते नहीं अभी पैदल ना, हालत ख़राब हो गई बा, खूब और हाथी है काम। और इधर देख सकते हैं ये हम सब लाए थे रात में, और भी ये भाभी यहाँ से राढ़ी, तो इसको हम अभी क्या करेंगे इधर साइड करेंगे, और यहीं पे टाटी बंधेगा हमारा, और इसको हटाना पड़ेगा ये, अभी तो बहुत ज़्यादा वैसे फुहारा भी हो रहा है, फुहारा मीन्स वो होता ना हरदम फुहारा, आप लोग समझ सकते हैं, हाँ भाई हल्का हल्का बारिश जैसा लगता है वैसा ही हो रहा है। तो अभी मार्केट गए थे कुछ सामान लाने, और अभी ले कर चल रहे हैं, और बाइक पे तो इतना ज़्यादा ठंडा लग रहा है पूछिए, हालत खराब है, और रास्ता भी भीगा भीगा सा हो गया है, इतना ऐसा लग रहा है बारिश हुआ ये जो फुहारा पड़ रहा है ना उसी से, अभी छत का लाइट जल रहा है उसको बंद करेंगे, अभी ध्यान नहीं दिया आज लेट हो गया, चलिए आ गए घर पे। तो अभी पहुंच गए घर पे, और वो लाए थे क्या नाम है मानसी के लिए गुलाब जामुन लाए थे, तो वही खा रहे बैठ के, और काजल अभी नहा धोवा लिए हैं देख सकते हैं, अब पूजा करेंगे, पति ख़त्म हो गया था तो वही लाने गए, और लेके आ गए, अब काजल करेगी पूजा, बेटा खा रही है गुलाब जामुन ये वाला अच्छा लग रहा है, हाँ देखो वाओ खा लो क्या लला कुछ नहीं, चलो देखो ना पापा, हाँ देख रहे हैं, काजल पूजा कर रही है, अमान से कह रही जल्दी देखो, तो इस टाइम सोच रहे हैं ना कि वो पूरा जो लाए थे पतहर राढ़ी ये सब, तो ये भीगा हुआ है, पता ना वो बांधेंगे कि नहीं, एक बार पता करते हैं, चल के पूछ लेते हैं, बांध देंगे तो ठीक है। अरे भाग गई। तो दोस्तों अभी काजल बना रही है आलू अंडा और सोयाबीन, तेल खत्म, तेल लाए हैं दूसरा ले लो, तो क्या कर रही हो बेटा, मैं बेबी को अच्छे से उड़ा रही हूँ, बेबी को अच्छे से उड़ा रही हो, हाँ ठीक है, खेल रही हूँ, खेलो, थोड़ा सा और गर्म होने के बाद फ्राई करती,
तेल उतना गर्म नहीं हुआ ना। अभी गए थे हम वहाँ पे जो टाटी बांधते हैं ना वहाँ पे, तो बीच में बड़े पापा मिले, तो बड़े पापा से हमने बोला बड़े पापा टाटी बनवाने के लिए किनको ले जाएं, तो उन्होंने बताया कि यार खरवास चल रहा है, तो खरवास में टाटी नहीं बांधना चाहिए, ना ही कुछ उजाड़ना चाहिए, मतलब ना ही कुछ तोड़ना चाहिए। तो हम भी सोचे पड़ गए कि यार इससे पहले हमने सोचा ही नहीं, और अभी ठंडा भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो खरवास में हमारे यहाँ क्या है ना कि शुरू से ही परंपरा है कि कुछ भी नया काम नहीं करवाना चाहिए हमारे हिंदू लोग में। हम्म, तो इसी वजह से अब हमारा ये जो बनाने वाले थे नया आंगन नया किचन, तो वो अभी फिलहाल में थोड़ा सा डिले हो गया, क्योंकि बाद में होगा, हाँ 15 तारीख को खरवास उतरेगा, तो उसके बाद से फिर कराएंगे काम। तो इसको साइड में उधर सीमेंट है ना उसका पीछवा दब देते हैं, खड़ा कर देते ना, वहाँ इसको ले लेगा, अंदर रख देगा, है ले लेगा, कौन लेगा अंदर, कहीं रखेंगे इतना सब पड़े, कौन लेगा मैम, मतलब के लिए तक खोज ही, हाँ हाँ कैसे बोल रहे हैं, कहीं खरीद के लाए ना दोस्तों इतना सारा, और बाकी राढ़ी जो है वो भाभी यहाँ से लाए। तो सोच रहे हैं कि अब इसको रख देते हैं कहीं इकट्ठा करके, और 15 तारीख के बाद से जब खरवास उतर जाएगा तब बनवाएंगे इसको, और अच्छे से किचन बनाएंगे, अच्छे से आंगन भी बनवाएंगे, और बढ़िया से एकदम रहेंगे ना। खुश हो रहे थे कि बन जाएगा तो इधर करा, हम सोच रहे थे कि इसी मतलब कि 2-4 दिन में बन जाएगा तो अच्छे से, और खाना वाना इधर बनेगा तो उधर स्पेस ज़्यादा मिलेगा, तो हो सकता है एक और बेड डाल देंगे उसमें सोने के लिए, है ना, क्योंकि सोने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है दोस्तों, रात भर जगे रह जाते हैं, और काजल जब उठ के जाती है काम वाम करने लगती है घर में, तब मैं सोता हूँ तो ये जगाने लगती है, मैं तो कभी ढंग से सोती नहीं तो बड़ी दिक्कत होता है। तो इसी वजह से अब ये बाद में बंधेगा हमारा, और ये हम पहले सोचे ही नहीं थे बिल्कुल कि ऐसा होगा, एकदम से हमें पता चला आज कि खरवास में नहीं काम कराना चाहिए। तो चलिए अब क्या ही कर सकते हैं, बुजुर्गों का बातें मानना हमारी कर्तव्य है, फर्ज है ना, और जो चल रहा है उसको टालना नहीं चाहिए। चलिए इसी के साथ एक और न्यू प्यारा सा व्लॉग में मिलेंगे आपसे, और ये व्लॉग आप लोग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं एक और न्यू प्यारा सा व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।